कहाँ से आए? हैदराबाद। क्या हो रहा है इनको? वही नो बैठे बैठे बातें कर रहे हैं, ये मर जाते मर जाते पूरे बात काम में इंटरेस्ट लगा रहे हैं। उनके आंग पे हाजिर हुआ इससे पहले? 3 साल पहले करा था। उसके बाद कुछ भी नहीं आया था, अभी 3 दिन से फिर शुरू हो गया। 3 साल पहले क्या आया था? पहले औरत आई थी। क्या बोली थी उसने? लेके जाती बोली। अच्छा, आई डी पी एल से बोले तो कोई भेजा था? नाम ली किसका? नाम नहीं ले, बच्ची थी। कल मैं परसों थोड़े दिन पहले बात हुई बच्ची से, बच्ची का नाम बोली सब बोले, छोटी बच्ची है क्लास की। अब वो पसंद आएगा तो लेके जाती है, बहुत सालों से वेट कर रहे थे। यूट्यूब पर जाता हूँ डालना। तुम कौन है पीछे वाले? अच्छा, अभी कितने दिनों से परेशान हो रहे थे? अभी ये 31 थे। चलो लो इधर की तरह दम करा के लो, और ये ऐसी पानी की बाटल लाओ, ये ऐसी ऐसी पानी की ऐसी बाटल मंगाओ, स्प्रे के साथ लगा के उसको लाओ अंदर। स्प्रे का और पानी बाटल लाओ, तुम जाके लाओ, वही लो, दम करके लो। पीने की पानी की बाटल लाए, खोलो ग्लास में डालो पानी। बस चल रहे क्यों परेशान कर रही उसको? चला, क्या नाम है पेशेंट का? शाहाना को क्यों परेशान कर रही? चल जल्दी आ, जकड़ लो उसको, लाओ पकड़ के, तेजी से पकड़ो उसको, जकड़ो जंजीरा डाल के। अरे बात मत करो उसको, पेशेंट को बात नहीं करना अभी अंदर आने के बाद। नाक में लगाओ सही तरीके से इतर। जकड़ लो उसको, अब और तेजी जकड़ो, स्प्रे लगाओ बाटल को। चल रहे पूरी ताकत से आ जल्दी। चल लगा पूरी ताकत, लगा जोर से और जोर से। चल पूरी ताकत से हाजिर हो, हाँ लगा पूरी ताकत, जोर से और जोर से। हाँ और जोर से पूरी ताकत लगा के। हाँ चल लगा, लगा जल्दी। हाँ चल लगा पूरी ताकत जोर से। नाक में इतर लगाओ उसके, बाजू में इतर हो, पानी पिलाना पड़ता दम करके, नाक में इतर लगा देना पड़ता, पीठ पे खींचना पड़ता खड़े रखीला। दम करके लो पहले, और लगाओ, शर्म आ रही क्या इतर लगाने में?
चल बुलाओ मारने वालों को, लगो मारने को। हाँ अच्छा नहीं दिखेगा मेरे को इतने सर के बच्चे को मारने लगाना। बुला लू पूरी फौज को मारने लगू, इतना ठेसा करने लगेंगे तेरा मार मार के फिर टुकड़े कर देते हता पौसा बलत। हाँ सुने नहीं आ रहा मुझे, जोर से नको मारो, जोर से नको मारो बोली मैं। हाँ कौन है तू? मैं वासी हूँ मैं। मैं वासी हूँ मैं। ये पेशेंट का क्या नाम है? इंद्र शाहना। अच्छा मेरे तरफ देख के बात कर, उठा मुंडी चल पीछे हट थोड़ा, ऐसा घूम ऐसा सीधा बराबर किबले की तरफ चल पीछे और चल बोल क्या नाम है तेरा? हौसिया है तू? कितनी उम्र थी तेरी मरने से पहले? 14 साल की थी। कितने? 14 साल। जोर से 14 साल की थी। अच्छा कहाँ पर मरी थी? आईडीपीएल पे रोड पे। कैसा क्या मरी थी? मेरा एक्सीडेंट हुआ था ना। कैसा? कार से हुआ था। अच्छा और कितने लोग मरे थे तेरे साथ? हाँ और कितने लोग मरे थे? कार किसकी थी वो? पता नहीं किसकी थी। तू बस क्या की थी कार के नीचे? स्कूल से जा रही थी एक्सीडेंट। हाँ स्कूल से जा रही थी एक्सीडेंट हो गया। अच्छा कौन से जमात में थी? आठवीं क्लास में। आठवीं क्लास में हैदराबाद में कौन से स्कूल में? हाँ जिला परिषद स्कूल से। कौन से एरिया का? अच्छा देखो भैया भाई ना कितने थे और? एक भाई है, एक बहन है और मैं। अच्छा भाई का नाम? मोहम्मद था। वालिद का नाम? मोहम्मद वास्कर था। अच्छा तुम्हारे इसका नाम क्या बोलते थे, माँ का नाम? हाँ वसीम बानो। हाँ वसीम बानो। हाँ वसीम बानो मम्मी का नाम। अच्छा तुझे कान से पकड़ा जादूगर ने? जादूगर ने नहीं पकड़ा मुझे। कैसे क्या आ गए थे तेरे पास? खबर को नहीं थी मेरे ये। हाँ मेरे खबर को नल के गई थी मैं। क्या करी थी? खबर को नल के गई। जोर से बोल पूरी दुनिया को सुने आना। मेरी खबर को नल के गई थी ये। अच्छा कौन खुल ली थी तेरी खबर? हाँ इसी ने खुल ली थी मेरी खबर। अच्छा कब कुंडली थी उन्होंने खबर? कितना टाइम रखो दल कर? 3 साल हो गए। पुतले के जैसा कैमरा लेके खड़े रहना हर तरफ से लेते जाना। हाँ कितना टाइम होगा? 3 साल। कितने? 3 साल। कब से तबीयत खराब है इनकी? 3 साल पहले आए जब निकाले थे हमारे पहचान वाले अंकल तो चले गए थे, अभी 4 दिन में आ गए थे वापस। हाँ नहीं ना वैसा कैसा रहने देंगे किसके भी शरीर में? गलत है ना वैसा रहना। मैं तुझे तो इतना मारने लगाता था यहाँ की पूरी इससे लड़ा के जगह भी बस नहीं आती थी, मगर मुझे भी अच्छा नहीं दिख रहा। मैं किसको जुलूम देने को नहीं बैठा आला हूँ? मैं क्या करूँ मैं? गलत है ना वैसा उसके आंग में रहकर सब परेशान करना। मुझे सही सही बोल, क्या किसी ने ला कर छोड़ा उसको तुझे इसके आंग में? नहीं किसी ने ला के नहीं छोड़ा मुझे। किसी ने कुछ मिला कर खिलाया था? किसको? ये बच्ची को खिलाकर इसके आंग में छोड़े तुझे लाकर? सही सही बोल। हाँ। क्या कोई ने जादू चलाया था इसके ऊपर? इसका क्या नाम है पेशेंट का? शाहना। शाहना पर कोई जादू करा था क्या? जादू तो करने वाले बहुत थे इसके ऊपर। पर वही नहीं मेरे खबर पे खुदल के आई थी ये। अच्छा तेरे खबर पर कैसा खुल दी थी इन्होंने, क्या करी थी? इसके मम्मी पापा का घर कब्रिस्तान के पास ही था, ये जा रही थी मेरे पर खबर भी खुल ली है। क्या करी थी उन्होंने, कैसा खुल दी थी? मेरे इसके मामी लोग क्या कर रहे थे बोले तो कब्रिस्तान के पास घर लिए थे, वहाँ बड़ा कब्रिस्तान था मुसलमानों का पूरा। मैं वहाँ पर दफन हो गई, सिर्फ 15 दिन ही चुपा था। मेरे खबर के मम्मी लोग के पास पैसे नहीं थे, वो लोग मेरे खबर नहीं बनवाए तो ये मेरे खबर के हालत हट के जाना ना, ये पूरा को डाल के चले गए मेरे को। भाई क्या करूँ मेरी गलती है इसमें, इन्हें मेरे पास आई ना। नहीं तो उन्हें खुंद ली तेरी खबर, तेरी खबर खुंदने से क्या तकलीफ हुई तुझे ऐसी? मेरे को पसंद आ गई थी ये बहुत, मेरे मम्मी के जैसी है ये देखने में मेरे को, इसलिए बहुत पसंद आती है मेरे को।
अच्छा तू इसके अंदर बैठकर क्या शरारत करी थी, क्या परेशान कर रही थी इसको? मैं इसको ले जाना चाहती हूं मेरे साथ ही। अच्छा ले जाने के लिए तो साथ में नहीं ले जा सकते ना, वैसा इंसानियत की दुनिया के रूल्स के खिलाफ रहना। इंसान नहीं है ना मैं तो। तू इंसान नहीं है मगर अल्लाह और उसके रसूल के कानून कायदों के खिलाफ जाते ना फिर ये बात। नहीं ना बस अच्छा, कब ले जाने वाली थी तू इसको? कैसा ले जाने वाली थी? क्या क्या कर कर ले जाने वाली थी? सुनने नहीं आ रहा मुझे, जोर से बोल। अच्छा कैसा ले जाने वाली तू उसको? गलत क्या करते? अच्छा जाने वाली थी। अच्छा तू पकड़ के अंदर से गल्ला उसका? क्या तुझे कोई इसके जादू टोना करके लाके इसके अंदर अटकाया? सही सही बोल जी। किसी ने इसको जादू टोने से तो तेरे को लाकर इसके अंदर नहीं डाला? जादू टोना करने वाले तो मैं तो उसके फ्रेंड से आई। इसके जादू टोना करने वाले दो जने इसके, क्योंकि पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं है। इसके बहन है ना, बहन के ससुराल वाले भी इसके ऊपर जादू टोना करे। इसका दिमाग पर कमजोर कमजोर होते रहता, नहीं ना वैसा नहीं ली जान देते ना, वैसा गलत हो रहा ना हो। अभी तुम देखी की इतनी ताकत है यहाँ तो आपको पता है कितना बीमार पड़ती है। क्या नहीं वैसा कैसा ली जान देंगे, इंसान की जान लेना गलत बात है, शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती, अल्लाह और रसूल का कानून कायदे के खिलाफ है बात। क्या नहीं दिए? जोर से बोल, पूरी दुनिया को सुने आना। कौन सा खाना था वो? कौन सा खाना था? खाना था। बघारा खाना था जी। क्या बघारा खाना था? बिरयानी थी? नहीं बघारा खाना था। अच्छा बघारा खाना था, उसमें मिला खिलाए। उसका क्या नाम है? उसका नाम माफरीन है। क्यों खिले थे उसको? इसकी दुश्मनी थी? उसका हस्बैंड है ना, इनका पसंद करता था शादी से पहले। मम्मी लोग के लिए पूछा था शादी करते क्या बोल के। इनके मम्मी लोग नहीं थे शहर थे उसको। दो लोग जलते थे बहुत इसके ऊपर, सब जने नंदा बहुत जलते इसके बहन के। ये बहुत जरा खूबसूरत भी है, घुमंडी भी थी ना, इसलिए लोगों को नहीं लगाती नहीं ज्यादा, आना जाना नहीं करती, दूरी रहती। और इसको उसकी पढ़ाई की, इसकी खूबसूरती की, इसके ससुराल में सोचे बहुत तारीफ करते उनके ससुराल में। तो उसके अम्मा और उसके उन्हें मिलके करे एक्चुअली इसको ज्यादा दिन हुआ करके, वो भी करके बोले तो बहुत बोले तो कितने दिन हो रहे, डेढ़ दो साल छोड़ा। अच्छा तू इसके आंग में आने से पहले इसकी शादी के बाद आई? तू इसकी शादी के बाद आई? तू इसके आंग में आने से पहले इसको उन्होंने खाने में खिलाया या तेरे आने के बाद खिलाए? मैं आने के बाद ही खिला लोग। अच्छा और किसने करा इस पर जादू? नहीं एक ही जने छे। एक ही जने? एक ही छे। कौन है वो, नाम बोल उसका? उसका नाम नसीमा है। हाँ नसीमा। और इसकी बेटी का नाम आफरीन है। इसके बहन के ऊपर भी करा रहे लोग। कौन करा रहे इस पे जादू? ससुराल वाले करा रहे हैं। क्या नाम है उनका? उसकी सासी करा रही है। उसका नाम क्या है? नसीमा उसका नाम भी। अच्छा इसके बहन का नाम सिमरन है, खूबसूरत है और अच्छे से बीमा बहुत पड़ रहा। और क्या पूछा है इसको भी मैं बोली बोल के खबर पूरे बोल के बोले दो भी बोल दो भी है खबर सुनल के भी आए और ये सब जादू तब से है खिलाए वाला अलग बोल रहा हो और खबर कुंडली वाला अलग बोल रही हूँ। अच्छा हाँ स्कूल में नहीं जल्दी जाना था, नौकरी की जगह घर की जगह कुछ है क्या? उधर कुछ है क्या? स्कूल में हो वहाँ क्यों किरकिरे होते? स्कूल में तो फिलहाल एक जने फांसी लगा के मरे थे उसके,
और वो स्कूल नापाक है, इसको नहीं चम रहा, इसको बोले इसके हस्बैंड को भी निकालने लगा दो, बोली वहाँ से स्कूल से अगर से नहीं मर्डर हुआ। वो मरियाला कौन है स्कूल में? वो कॉलेज की लड़की थी। हाँ जबकि नहीं, नारायणा कॉलेज था जब वहाँ पर। हाँ नारायणा कॉलेज में गर्ल्स बॉयज का कॉलेज था पहले, वो बिल्डिंग बनी जब इनेज की थी वहाँ पर, बिल्डिंग का इनॉग्रेशन हर चीज इंगेज करी थी वहाँ पर, बहुत बड़ी फेमस है ये हॉस्टल्स के मैनेजमेंट में। तो मरियाली क्या कर रही वहाँ पे, उन्हें भी फिर रही? हाँ किसी बिल्डिंग में। देखो ऐसा है, कब्रिस्तान में जाने के वक्त अल्लाह ने दुआ रखे, अल्लाह दुआ पढ़ के जाओ, सब बातों का अमल करो, हर चीज का ख्याल रखो। तो पाकिजगी आधा ईमान है, इस वास्ते बताया अल्लाह ने कि हर जगह पे पाक साफ रहो, पाक साफ रहेंगे, इबादत करेंगे, इबादत करके उठते जाएंगे, दुआएं पढ़ के घर से बाहर निकलेंगे। तो अभी कितनी अजीब और गरीब दास्तान है, मैं खुद सुन के परेशान हूँ कि वो खिलाए वाला तो उन्हें क्या क्या है बोल रहा हूँ, शैतान उसकी जबानी और भी है बोल रही हूँ दो तीन, मगर ये कोई तो भी एक्सीडेंट होकर मरियाली बच्ची की खबर थी बोलते, तो वो खबर के ऊपर से इन्हें वो सब उन्हें नाम बोली बच्ची ने जो भी है, तो उसके बाप का उसका उसका काम वाली थी उन्हें सब फोन है, तो उसकी तो एक बहन एक भाई है, उसकी खबर ये खुदल के चले गई उंगल कर अल्लाह अकबर, उसको उसकी क्या बोलते तो उसको लग गई, लगने के बाद उसको कितना परेशान, कितनी उसकी लाइफ को खत्म कर रही थी। मैं इसको मार रही ना तू, तो फिर बदरूज हो रही ना फिर तू। मम्मी जैसे ये बोलते उसकी हो तो उसके साथ में ले जाती बोल रही हो, ऐसा गलत है दास्तान, नहीं ले जा सकते, इंसानियत के दुनिया के रूल्स के खिलाफ है ये बात। हाँ अब तो उसको साथ में लेके चले जाएंगे तो उसके बच्चों को कौन देख रेख करेगा? हाँ कौन? उसकी दादी को देखेंगे, दादी को देखने को लगाने के दो नौकरा, वो कहाँ देखेंगे फिर बच्चों को? गलत है ना, फिर मैं मारना चालू करा दूंगा, भस्म करना तो पूरा भस्म करा दूंगा। नहीं क्या करूंगा, वो सोच रहा हूं कि दोनों हाथा काट के ले लूं। हम्म, मत करो ऐसा, चले गए थे फिर कैसा है? अच्छा इससे पहले चले गए थे तो फिर वापस कैसे आए? मैं नहीं गई थी इससे पहले, कोई तो मौलाना निकाले थे ना, वो दूसरे जाने थे। वो कौन थे? वो एक मैं पता नहीं वो कौन थे जाने की, हां पर वो एक औरत थी इससे पहले। अच्छा औरत ने निकाली थी, इलाज वाली हिंदू थी मुसलमान थी? मुसलमान की थी, पता नहीं मुझे तो, वो तो सडनली आई थी उसके ऊपर, वो जब सीरियस हो गई थी ना दफने में जब जाके, तो कब्रिस्तान के उसमें से इसका गुजर हो रहा था, तो सडनली आ गई थी वो निकाले थे। जोर से बोलना रहे, सुने आना ना मुझे भी। नहीं नहीं जो पहले निकला मेरा वो ये रहेंगे, वो निकाल देते सर इन्हों, फिर बाद में कितने बार कितने के बाद आएंगे मन, उनके जाने के बाद कब आए? नहीं कैसा क्या है, कोई भेजे डायरेक्ट आ गए कौन? निकालने के बाद कहीं को आए तुम? मैं बाद में आए, उन्होंने पहले थी पहले हूँ, बचाने से फिर तो अब मैं जाने का टाइम हो गया, मैं आई यहाँ पर मेरी मर्जी से आई मैं इधर। अच्छा और पहले वाली कौन थी? वो कौन थी मेरे को क्या मालूम, रोड पे जाने वाले के जाने कब आए थे? अच्छा वो पहले वाली चली गई कैसा मालूम होगा? वो आई शाहना, क्या नाम है? शाहना के आंग में इतना नाम गौसिया है ना मरियाली, तो तू हिंदुआनी, हिंदुआनी जब आई थी ना तेको कैसा नहीं मालूम होगा हिंदुआनी आंग की जा रही उसके आंग पहले से थे ना। वो कौन है कि पता नहीं मुझे, हिंदुआनी थी पर उसके भाई भाव जिसको मारे थे गले, तो वो रहानी इसके भटक रही थी एरिया में वो। हाँ। तो सडनली इसको लोग हॉस्पिटल को लेके जा रहे थे इसको। हाँ। तो जब इसमें पुणे आ गई थी क्या कोई करा रहा जादू टोना बीच में बैठ के? क्या कहता था कलेजा? जादू टोना कर रहा क्या कोई बीच में बैठ के? वो पूछा मैं तेको क्या सुने आ रहा, कलेजा सुने आ रहा क्या? सही बोल, कोई जादू टोना कर रहा क्या? कोई इस पर जादू टोना चला के भेज रहा क्या शैतान आग के पीछे? जादू टोना करा रहे क्या कर रहे, कुछ भी नहीं मालूम। नहीं मालूम? नहीं मालूम। मारने लगा हूँ चालू कर, तो बुला दू मारने वालों को जंजीरा लेके। हाँ जकड़ लो जरा इसको और तेजी जकड़ो,
सही सही बता हर दास्तान मुझे। जकड़ो उसको, तेज जकड़ो। छोड़ो बोलू मैं, छोड़ो बोलू मैं, ना छोड़ दे मेरे को। मैं छोड़ दो बोला तेरे को। बंधा लो उसको, तेज कस के बंधा उसको, जकड़ लो उसको, जंजीर डालो उसके ऊपर। बंधो उसको और तेज, बंधो उसको कस के, बंधो उसके हाथ आप पिता तोड़ देंगे। जकड़ो उसको और तेज जकड़ लो। क्या समझा था मुझे? नींबू काटने वाले समझ रहे कमीनो? तुम्हारे बाप को भी नहीं छोड़ता हूँ, बड़े बड़े उजला दिया मैंने। जकड़ लो इसको और तेज से। मैं इसको छोड़ के तो नहीं जाता हूँ, नाम बोलते रहा राजेश्वर है मेरा नाम। अब आया ना खल ठिकाने पे। भाई जकड़ लो उसको तरह और तेज जकड़ो उसको। उतने लोग नहीं पहचान सकते, तुम क्या पहचान सकते मेरे को? यहाँ सबकी लाल किसकी गल लेने देते यहाँ पे? तेरे बड़े बड़े जिसकी तू पूजा करता ना उसको पकड़ के रख दिया मैंने कद कर। अच्छा जरा जकड़ लो इसको और तेज जकड़ो उस पर, जंजीर डालो लाठी तेज से। जकड़ लो उसको और तेज से आग लगाओ उसके अंदर से, और उसके पेट में से भी आग लगाओ तेज से। बोलो नहीं बोलते सपरा। जकड़ो उसको और तेज जकड़ो उसको, जलाओ उसको नाला, उसको बताओ नहीं किसके सामने बढ़ा दो। तेज जकड़ लो और चल बोल उसके अंदर कितने शैताना छोड़े वाले? तीन है। कितने शैतान है? तीन है। कितने है? तीन है उसके ऊपर। तीनों के नाम बोल। एक गौसी है, खिलवान लड़की का मेरा है। अच्छा तीन शैतान छोड़े वाले उसपे। हाँ। गौसिया और एक हिलवान लड़की का मेरा है उसके ऊपर। गौसिया कहाँ से ही? खुद ब खुद ही या उसको छोड़े थे उसके आंग पे? नहीं ये तो खबर का खुंदली गई से। ये तो अच्छा वो खबर खुंदली थी तो उस वास्ते वो गौसिया आ गई। जी हाँ। और उसके बाद तुम दो लोग? ये तो मैं पता नहीं आईडी पहले से कहाँ से की, तो हिलवानी है तो लड़की। हम्म। पता नहीं उन्हें कहाँ से की। हाँ। और मैं तो इसको क्या खबर के पास मिला था, उसको हिंदुओं का खबर के पास। वहाँ क्या कर रहा था तुम दो खबर का? नहीं मेरी वो शमशान घाट पे मेरी खबर पर हो रही थी। हाँ। उसे टाइम पे मैं खुली बस ले टच। नहीं इन्हें कसम मिलेंगी तो कौन सा जादू करने भेजा उसके आंग में? नहीं इसका घर मेरा कब्रिस्तान सामने। झूठ बोल रहा। 12 बजे टाइम पे जा रही थी। घर है तुम्हारा कब्रिस्तान का? नहीं कब्रिस्तान टाइम 12 बजे बराबर गली हालत में जा रही थी। क्या कर रही थी? गंदी हालत में थी जा रही थी, मैं क्या कर सकता उसमें। कहाँ से जा रही थी? कब्रिस्तान पास से गई। 12 बजे भी बराबर। हम्म। झूठ नहीं बोल रहा, सच में बता दो। व्हाट्सएप करके जो है उन्हें तो इसकी खबर खबर खुल गई थी। और ये जो एडिटर लड़की है ना उसके भाई का एक बार एक खो हो गया था, सर हो गया था। उसके बाद सर उसके खराब बस इतना चाहिए। पहले भी बोला ससुराल वाले बहन के, वो क्या करे उन्होंने ससुराल वालों ने करे थे तो उसके दिमाग पे असर करा। किसके? शाना के दिमाग पे। क्या करे थे उन्होंने? पागल हो जाना। फिर तू झूठ बोल रहा? कितनी स्टोरी बोल रहा हूं मैं, सही बोल रहा हूं। कैमरा घुमाते रहे कभी इधर कभी उधर, एक ही तरफ मत बैठ। जकड़ो जरा उसको और तेज जकड़ लो उसको। छोड़ दो मुझे जकड़ लो उसको और तेज जकड़ो उसको। छोड़ो प्लीज।
ताकत लगा के बोल, कितनी तेरी ताकत कोई। हम लोग तीन हम लोग को छोड़ो प्लीज, हम लोग चले जाएंगे तीनों भी। जकड़ लो उनको और तेजी जकड़ो, प्लीज छोड़ दो हमें प्लीज। क्या मुझे नींबू काटने वाला समझा था ना लायक? हाँ मैं सही बोल रहा हूँ, हम लोग तीन जने वो तीन जने कर उस पर क्या तो जाने के लिए करा है, पर उसका असर नहीं हो रहा उसके ऊपर। अपने तो कब मर जाएंगी है। अपने तो कल जाने वाली छह भी है। कब मारने वाले बड़ा अल्लाह की ताकत सबसे बड़ी है, जमीन आसमान में कलाम इलाही, कोई औकात नहीं तुम्हारी उसके सामने। लगो और तेज से आंख जलाऊं, एक बार भी नहीं जाते हो? जकड़ो उनको और तेज जकड़ो, लगा पूरी ताकत लगा, जोर से पूरी ताकत से। और कुछ पूछाना है? वही बच्चे छोटे हैं, नौकरी जगह परेशान कर रहे हैं, नौकरी का तो घर का कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, जहाँ पे रह रहे पसंद वो घर का तो कोई प्रॉब्लम, वो घर का क्या प्रॉब्लम है रे, अभी जा रहे रहे तो खाली कर दो। हाँ खाली करना पड़ेगा, कहीं को खाली करो, रिश्तेदारों का घर किसका है? तो घर में क्या है, वो कुछ है भला बत्तर? वो घर में भला है, क्या है जिन्नात है शैतान है कभी से पता है क्या है क्या नहीं की। पूरे घर में औरत का साया है तो फर्श पर भी ये रही तो हर बार बैठ के नहीं जमते से और हम ना भी है ना तो सब में तुम सब मिलके एक हो जा रहे हैं और हर बात पे लड़ रहे हैं। बात तो क्या है अपने आप को मारने की ट्राई करते हैं और हर बात पे इसको सुसाइड करने को कौन लगा रहा, अटेम्प्ट करने सुसाइड? जोर से बोल, हम लोग कुछ करा रहे हैं, सुसाइड कराने वाले थे उसका। हां कैसा उसे डाल लेके, उसे डाल लेके चाकू को टूट के और गैस करने डालो। ठीक है शैतान, वो जुल्म दे रहे थे क्या शैतानों को? बंदा लो इनको, लाओ जंजीरा बन के डाल दो इनको। हम लोग ऐसी बिठा के बात करें तो बच्ची का दो पैसे पहले निकाल दे तो सामने आना, अभी भी कितना लंबा जा रहा है एक साथ तीन है छोड़े आ ले वो तो बच्ची की उन्हें पूरी खबर लग गया, वो एक खुला के छोड़े ये चिरुन्नी को दिखता नहीं है इसके कहा गंदे आंग से उन्हें पुराना कहीं मच्छर वाटे पास जा रहे थे उन्होंने 12 बजे रात को गए थे बोलते उन्होंने गंदे आंग से दिन के 12 दिन था रात था रे वो दिन के 12 बजे खबर चल रही थी मेरे से टाइम पे। अच्छा अभी जो लगा कहीं कुतू लगने की वजह ऐसा तेरे हाथा पसंद आ गए काट के ले लूं, इसको भी कोई वजह नहीं रहती फिर नहीं ना मेरे को वो पसंद आ गए हाथा ले लेता काट के फिर देखेंगे तू बगैर हाथों से कैसा परेशान करता लोगों को तो फिर भागने को रहते ना वो खाली भागने को उसको भी काट के दो टुकड़े कर देते बाद में क्या तेरी मुंडी काट के तेरे हाथ में तो लेके फिर ने कहा बगैर मुंडी का शैतान बन के करा दूं चलो पानी पिलाओ उसको उसके पेट में से आग लगाओ तेजी से पनीर लाओ पनीर लेके दिन 10 रुपए पनीर लेके दो अरे जल्दी ला ए रुक स्टॉप कपड़ा है कि तुम्हारा कपड़े साफ करके पनीर कपड़ा तुम्हारा ओढ़नी खोल के साफ करके लो मान लो शर्म आना पन्निया लेके नहीं आ रहे 2-5 रुपए की पन्नी लाना नहीं और तुम्हारे अंदर
फेस का उधर जिधर से आते जा रहे कैमरे वाले सही तरीके से ले होल्ड करो उसको बस बस चल निकाल पूरी दवा बाहर खींचो उसकी सारी दवा को बाहर खींचो उसकी सारी दवा बाहर झक मार रहा साले निकालो उसको खींच के बाहर पूरा खींचो उसकी पूरी दवा बाहर खींचो यूजन थ्रो का गिलास मंगाओ एक खींचो उसकी सारी दवा बाहर खींचो निकालो उसके पेट में की सारी दवा बाहर निकालो निकालो उसकी सारी दवा बाहर निकालो सारी दवा बाहर निकालो उसकी और तेज से खींचो बाहर खींचो उसके पेट में की सारी दवा को जकड़ के बाहर खींचो पानी दम कर करके पिलाते रहो काम आ गया उन्हों और डालो निकालो उसके पेट में की सारी जकड़ के बाहर निकालो अरे तुम पोछ रहे क्या पूरा खराबा कर रहे जहां का वहां पोछना भी नहीं सीखेगा अभी तक निकालो उसके पेट में से और तेज खींचो खींचो उसके पेट में की सारी दवा बाहर लो खींचो पूरी दवा खींच लो उसकी बाहर खींचो उसकी सारी दवा बाहर खींचो खींचो उसकी सारी दवा बाहर खींचो उसकी निकालो उसकी सारी दवा निकालो जरी बाकी मतरंदो अंदर दवा सारी दवा को निकालो जकड़ के चलो अब उसको दीवार से लगा के बिठा दो और दुआ का पानी पान दम करा करा के पिलाते रहो थोड़ी थोड़ी देर कुछ इसका भी दवा निकलते रहते हैं चलो दूसरा नंबर चालू कराओ
बुलाते रहना, पिलाते रहना, बुलाते रहना, पिलाते रहना। कुछ नहीं। अरे तू बोल, तेरी मेरी क्या दुश्मनी है? बोल रहा हाँ, क्या जोर से बोल। क्यों सता रहा फिर हमको? सता रहा नहीं, तू सता रहा लोगों को, मैं थोड़ी सता रहा। तू क्यों परेशान कर रहा था? तू क्यों उसकी जान ले रहे थे फिर तुम लोग मिलके? हम लोग को जाने का टाइम हो गया 3 साल से उसके ऊपर। हम लोग कब तक है ना उसके ऊपर अभी? हाँ तो आप तुम उसकी जान लेके जाते, बाप का राज चल रहा है दुनिया में। कैसा? हाँ नहीं नहीं वैसा नहीं, तुम्हारे को क्या बोलते तो पूरा खत्म कर देंगे, भस्म कर देंगे। तू अगर क्या बोलते तो मुझे बोल रहा है नालायक, कई को तकलीफ दे रहे करते, मैं कई को तकलीफ दे रहे? तू तकलीफ दे रहा लोगों को, जनता को। मैं तो तुम्हारे को मारने को बड़ा नालायक। मारो उसको और मारो, मारो उसको, खूब मारो, मारो उसको और मारो। मैं अगर नहीं देखूंगा, मैं अगर नहीं निकालूंगा तो अल्लाह क्या जवाब दूंगा? अल्लाह पूछेगा ना मेरे बंदूक क्यों नहीं देखे? तो उस वास्ते देखना है मुझे, तेरी मेरी कोई दुश्मन नहीं है। चल जाते हम लोग आज ही, चल जाते। हाँ चल लेंगे हम लोग आज ही। भरोसा नहीं तेरा? फिर आया वापिस तो? नहीं नहीं आता। नहीं नहीं, तीन तीन है ना तुम लोग, तीनों को भी बताता हूँ, ठहर जरा। तीनों जाएंगे हम लोग। किधर मनमानिया चल रहे, किस केस में हुकूमत आ चल रहे, कौन मनमानिया कर रहा, क्या दास्तान है दुनिया में? बाप की दुनिया है रे तुम्हारी, अल्लाह की दुनिया है वो। चलेंगे हम तीनों भी जाते हैं। दरवाजा लगाओ जी, लाओ उसको दम करके पानी। ए वो दरवाजे कुंडी लगाओ रे, सुतार को बोलो बुला के उसकी कुंडी को राइट कर, बोलना वो एसी चालू है, दरवाजा नहीं खोलते वैसा। निकालो उसकी सारी दवा, निकालो मार के पूरी बाहर। वो नहीं इधर से नहीं लगता, उधर से लगता, उधर से लगा, उधर से लोका, उधर से भी खोलते, इधर से करना। अरे वो कल करके ले लो फिर उसको बुला के वो कौन कहा बता, इधर से उसके कौन है? अपने कदर दबाने में ला, निकालो निकालो और तेज से मार के निकालो, मारो उनको नाला खूब खूब मारो उसको। क्या करके मार के जाता? बाबा का राज चल रहा, डालो उसको जंजीर, उसको नाला खूब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पकड़ो इधर, पकड़ो उधर वालों, कैमरा चालू करना, जिसको नहीं देखना कैमरे में नीचे मुड़ा करके बैठो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल मुज़म्मिल, कुम अल-लैल इल्ला क़लीलन, निस्फ़हु अव इन्क़ुस मिन्हु क़लील, अऊज़ु बिअल्लाहि रद्द लिल-क़ुरआन तर्तीलन, सनुल ख़ुमसि ख़ैर, इन्ना नश्हदुल्लाहि यश्हदु अतम व अख़बर ख़ैर, इन्ना लका फ़िन-नार सबहन तबील, व अज़कुर इस्म रब्बिका व तबत्तल इलैहि तबतील, रब्बुल المشرق والمغرب لا إله إلا فضله وكيل، واصبر على ما يقولون واحجر من الجميل، وضعني والمكذبين حول النعمة ولهم قليلا إنا لدينا أنكالا ونعمة من زاغوا صدما ضعفا عليما، يوم دار وجفل يوم دار وجفل الجبال كانت بل وضبا معيل، إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون الرسول، فعاد فرعون الرسول فأخذنا خطنا وبلا فكيف تتقون إن كفرتم يوم يجل البيت نشيب الصماء وقم بيح كان وده مفعول إن هذه تذكرة
تعطفهم شتخلوا السبيل إن ربك يعلم أنك تخلط يسلم من اسمه بصبهم الطائفة من اللذين معك والله يقدر الله يكون حالما لن توصف فالتبليم فأخر مدية من القرآن المسيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض ابتغوا من فضل الله وآخرون خطنا في فضل فأخر مدية من أخر الصلاة وآخر الزكاة وآخر الله خير حفنا وما تقدموا لأنفسهم من خير تجدح عند الله خيرا وعز وجل واستغفر الله واستغفر الله ان الله غفور رحيم جراس کے پیٹ میں جان لگا گیا اور تیز دوا نکالا چھوڑ دو ہم اخر یہ استغفر الله ان الله غفور رحيم نکالو اس کے پیٹ میں ساری دوا نکالو یہ ہے اللہ کے کلام کے پانی کی طاقت میٹنگ بند ہو جاتی سائنس بولتا فلٹر واٹر واٹر سے دیکھو بسلری کا پانی میں دم کر کے پلانے کے بعد میٹنگ کیسی ہوتی دوا ڈالی والی رہی تو ساری دوا نکل جاتی زندہ قرآن کا معجزہ زندہ چمتکار بولتے اس کو اللہ کے کلام کا ہندی کے کتنے اردو کے کتنے ہندی کے بھی سب سے جتنا کئی کو پریشان کر رہا ہے پھر بچوں کو پکڑ کے کاٹ دوں گا دل دیا بھائی تیرے بچوں کو کاٹ کے بھسم کر دوں گا جلدی آ ارے خبیث تیرے بچوں کو کاٹ دوں چلا چلا اور زور سے تیرے بچوں کو بھسم کر دوں گا لوگوں کے بچوں کو پریشان کر رہا رہے تو ہاں مان لو روکو اتنی دیر تک پڑے تک تو بہت بڑا ہو جاتا ہے ایک گھنٹے کا بہت بڑا پانی بوٹل لانی ہوں تمہاری نکالو اس کے پیٹ میں کی ساری دوا کو جکڑ کے نکالو جلا دو اس کے پیٹ میں تیزی سے آگ لگاؤ نکالو اس کے پیٹ میں سے اور جلاؤ اور اس کو مارو خوب مارو اس کو تیزی سے مارو چنڈیا کا تو مار مار کے مارو اس کو اور مارو نہیں چھوڑ دو کو چلاتے ہم لوگ کیا بول رہا بن کے ڈالو اور یہاں آتے سے اللہ کے حکم سے بند ڈالتے ہیں یہاں دیکھا نا کیسا بند ڈالے تو چاہے میں گدی پہ رہوں یا نہ رہوں آٹومیٹک نظام چلتا ہے اللہ کے حکم سے کب بنے تھے تجھے یہاں آنے کے بعد میں کتنے بجے بولا تھا تیرے کو میں یہاں بندے تھے نہ لایا بند کر نہیں تیرے بوٹی بوٹی الگ الگ کہہ دیں گے تیرا خیمہ بنیں گے تیرا لوگوں کو ظلم دے رہا تو نہیں نہ تمہارا کیا بھروسہ اور آ کے اس کو پریشان کرے تو چل اس کے ساس کو پوچھیں گے چھوڑنا نہیں چھوڑنا چھوڑنا نہیں چھوڑنا اس کو دیکھ رہے مت چھوڑو بول رہے ہو نا ہاں مارو پھر اس کو اور مارو چھوڑو مت اس کو نہیں چھوڑتے دیکھو تو پورا بھسم کرنے کے بعد چھوڑنے کا سوچیں گے
मैं जुलुम नहीं कर रहा रे, तू लोगों को जुलुम दे रहा था 3 साल से, मैं इंसाफ करने को बैठा हूँ। नहीं नहीं कैसा तू और आया तो क्या भरोसा तेरा। हाँ आया क्या होश, क्या हुआ था तुम्हारा, कुछ याद है क्या सवाल जवाब? हाँ कहाँ से आए थे तुम? हैदराबाद। अच्छा अभी पन्नी में दवा निकली है, कुछ याद है क्या? कुछ पानी नहीं है तो ऐसे क्या भर गई वो पन्नी पानी से? हाँ किसकी मीटिंग है वो जी? किसकी मीटिंग हुई वैसे वो? मेरी बॉम्ब। हाँ महेश कर वैसा नहीं, तुमको याद है क्या? शायद नहीं एग्जैक्ट, उल्टी करी से तो याद है मेरे को। याद है? उल्टी करी से तो याद है। अच्छा सवाल जवाब वाले कुछ याद है क्या मेरे साथ में? पता नहीं मैं मालूम। चलो ठीक है, उनको शोर साथ में बाहर गए क्या लोगों ने? क्या हुआ था मुझे? तुम्हारे रूम तुम्हारे आंख पे 3 शय हाजिर हुए थे, तुम बोलते कहीं कब्रिस्तान में उंगल कर चले गए थे कोई बच्ची की खबर, उसको मरकर 15 दिन हो गए थे, तो उसकी कोई तो भी रूह वगैरह जो भी थी एक्स वाई जेड मतलब शैतान जो भी, वो पलट कर आकर तुम्हारे पे हमला कर दिया था, लग गया था। अच्छा। और तुमको 2 दिन के बाद लेके जाने वाला था बोलते साथ में, वैसा उसने बोला। हाँ। उसके बाद और उसने क्या बोला, एक दूसरा हाजिर हुआ था उसने क्या बोला रे? कुछ तो बोल रहा था ना वो, कहीं से रात का मसन वाटे एक पास से कहीं जा रहे थे बोलते तुम 12 बजे, ऐसा उसने बोला उस शैतान ने उसके अंदर है रिकॉर्डिंग में, तुम मसन वाटे एक पास से जा रहे थे तो वो तुम्हारे को कर दिया उन्होंने। हाँ लकड़ी का तो जल रहा था बोलते मुर्दा, तो वहाँ से तुम गुजर हुई थी तो उस वक्त तुम्हारा आंग मैला था बोलते, उस वास्ते वो बला लग गई, इसलिए जरा मेरे तरफ कैमरा वामरा ये पकड़ो रे, ए उधर पीछे खड़े रहो मुझे बात जिसको नहीं आने का। उसने क्या बोला उस बला ने? ये बोला कि इनका अंग गंदा था, गंदे अंग से ये वहाँ पर गए थे और जो भी था तो इन्होंने कहीं रास्ते से जा रहे थे, ऐसा मैं तो नहीं बोला उनके अंग पे का बोला था, और वो बोलते कि कोई वहाँ पर कुछ है रिकॉर्डिंग के अंदर वो सब देख लो, तो इस वो वहाँ पर कुछ जल रहा था उसकी लाश वाश जो भी। हाँ तो वो लग गया इनको, लग गया तो वो एक लगा एक खिला के छोड़े बोलते, और एक क्या था वो कहीं की खबर उंगल के चले गए थे इन्हों, तो खबर में की एक लगी थी, तो ये 3 थे तो तीनों भी मिलके मारने वाले थे, ऐसा मैं नहीं बोला, बार बार मैं बोल रहा हूँ उसके अंदर रिकॉर्डिंग में सब देख लो, वो शैताना बोल रहे थे, मैं एक्सप्लेन करा रहा हूँ क्या दास्तान। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ सब दुनिया को कि तुम हर वक्त अल्लाह ने क्यों बुलाया है कि वजू से रहो, ताहरत से रहो, इबादत करो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो, अल्लाह को तुम्हारे इबादत की कोई गरज नहीं है, ये तुम्हारे हिफाजत के वास्ते बुलाया अल्लाह ने, तुम वजू से रहेंगे तो तुम्हारी हिफाजत, ताहरत से रहेंगे तो तुम्हारी हिफाजत, इबादत करेंगे तो तुम महफूज रहेंगे, अमन अमान में रहेंगे अल्लाह के, तो ऐसा मत सोचो तुम कि हम दुनिया में अमन अमन में रहेंगे, ये दुनिया के शर पसंद लोगों से, तो शर पसंद जिन्नात और शैतानों से थोड़े बच सकते तुम, अगर इबादत की रस्सी को मजबूती से नहीं थामेंगे तो। हाँ वो तो अभी तो आके बोल के गया, उनको सबको बन के डाल दिया लाए, उसने ये भी बोला कि कल रात के 12 बजे से मैंने सबको बनने लगा दिया था, बनने का हुक्म दे दिया था, तो बन के डाल दिया सबको वीडियो में, उसने सब बोला आप देखेंगे तो आपको याद आएगा पूरी दास्तान। कहाँ तो भी फिर रहे थे उनके सास उनको छोड़ के बाहर, तो इस वास्ते इबादत की रस्सी को मजबूती से थामो, तुम अगर इबादत करते रहेंगे तो तुम्हारे कोई चीज और कोई शय तुम्हारे नहीं लग सकती। वो बच्ची अगर वजू से रहती थी, तारत से नमाज व कलाम या घर से निकलने से पहले दुआ पढ़कर अगर निकलती थी वो घर से बाहर और दुआ पढ़कर जाती थी, तो कोई शैतान और कोई शय और कोई काली ताकत की इतनी हिम्मत नहीं है कि अल्लाह के नेक बंदों को तकलीफ दे सके, जहमत दे सके कुरान पढ़ने वाली जबान को, कोई सातों जमीन सातों आसमान में ऐसी कोई गलीज ताकत नहीं है जो अल्लाह के कलाम पढ़ने वाले को जहमत दे सके। मगर तुम पढ़ो ना, तुम पढ़ेंगे तो तुम आपको कोई जहमत नहीं देगा, कोई ताकत नहीं है जो अल्लाह के कलाम पढ़ने वाले को जहमत दे सके, तुम्हारी जबान ही नहीं है,
पढ़ने वाली, तो फिर तो तुम्हारे समय मत मिल रहा, तुम गाने याद हो जा रहे, तुम्हारे टीवियां देखना मालूम रहा, पिक्चरा मालूम रहे, एक शो देख रहे, नेक्स्ट शो की तैयारी कर रहे, तीन तीन छः छः घंटे बैठ के पिक्चरा देख रहे, ये सब गलत बात है। इबादत की तरफ ज्यादा से ज्यादा रुझू हो, क्योंकि तुमको शैताना लगने के बाद इबादत करने नहीं देते, और तुम उससे पहले से अगर इबादत करते रहे तो उन्हों तुम्हारे पास आ ही नहीं सकते, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी लिया। और जब अल्लाह ने हिफाजत की जिम्मेदारी लिया तो कोई शैतान नहीं, कोई इबलिस नहीं, कोई गुंडा नहीं दुनिया का, कोई तुम्हारे को जहमत नहीं पहुँचा सकता, क्योंकि किसी की इतनी औकात नहीं है। हिफाजत की जिम्मेदारी जब उसने लिया तो रब्बे अजीम ने, और तुम अगर नहीं पढ़ेंगे तो तुम फिर तुम अल्लाह के अमान में नहीं है, तुम अल्लाह के अमान में नहीं तो फिर तुम्हारा कोई भी आने जाने वाला कीड़ा भी काट के चले जाता फिर तुम्हारा कोई मामूली, वो तो बहुत दूर की बात है शैतान के काम। इसलिए सब लोगों को ये बोलूंगा मैं, नमाज पढ़ो, इबादत करो, तुम्हारे भले के वास्ते हो सब चीज़ा, तुम्हारी हिफाजत के वास्ते हो। चलो ठीक है, ये कहीं को ऊपर यहाँ यूँ कर दिए कि खत्म हो गई बात, सबको साइड से बस आ रहा हूँ, ये कुत्ता रहता है, ये घंटे का तो रहता है, 10 मिनट का है बस, 10 मिनट।